हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैं आउटलाइन ड्राइंग का वीडियो आप लोगों को दिखाया था। अगर नहीं देखो तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और रेफरेंस फोटो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं शेडिंग शुरू करने वाला हूँ, और शेडिंग भी मैं फेस का जो मेन पोर्शन है उससे ही स्टार्ट करूँगा। पेंसिल यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ स्टेडलर का, पर आपके पास जो भी पेंसिल है वही यूज़ कर सकते हो। सिर्फ 8B, 4B, 2B, 6B ये सब शेड्स आप लोगों को होना चाहिए आपके पास। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है ई पेंसिल स्टेडलर का। आप लोग 8B पेंसिल यूज़ कर सकते हो इसके जगह पर। ओके, तो रेफरेंस फोटो में देखो सबसे जो डार्केस्ट पोर्शंस है फेस में, वहाँ से मैं थोड़ा एक बेस टोन देना स्टार्ट करूँगा। देख सकते हो कितने हल्के से धीरे धीरे कर रहा था मैं, तो वो रियल टाइम में था। अब थोड़ा फास्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर मैं 2B पेंसिल से ऊपर से एक ऐसे फ्लैट टोन दे रहा हूँ, एंगल को समझते हुए। साइड में फेस ऐसे एंगुलर होता जाएगा धीरे धीरे, और जो फोरहेड का मिडिल का पोर्शन है उसमें ऐसे फ्लैट हॉरिजॉन्टल शेड होगा। ओके, हर एक शेड आप लोग को सिंगल स्ट्रोक्स में देना है, ऐसे घिसके नहीं देना है, सिंगल स्ट्रोक्स में करो। और एक ही बारी में जो डार्कनेस है वो लाने की कोशिश मत करो, लेयर्स में करो तो ज़्यादा स्मूथ होगा, और आप लोग को कोई अलग से ब्लेंडिंग भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखो कैसे मैं शेड्स दे रहा हूँ, वैसे ही आप लोग को फॉलो करना है। स्ट्रेट शेड्स हो तो ऐसे ब्रोकन एक स्टाइल आएगा, ठीक है, ब्रोकन टेक्सचर में आएगा, एंगल्स ऐसे धीरे धीरे चेंज होगा तो अच्छा दिखता है। और उसके साथ साथ आप लोग को ऐसे हाईलाइटेड एरियाज भी थोड़ा छोड़ना है, ताकि थोड़ा ऐसे डार्क एरिया और हाईलाइट एरिया का जो ऐसे कॉम्बिनेशन है वो बना रहे। साइड में यहाँ पर डार्कर एरिया में मैं ई पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग 8B पेंसिल इस्तेमाल करो। देखो पहले लेयर में उतना डार्क नहीं हुआ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम वही पेंसिल से एक दूसरा लेयर दे रहा हूँ। प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, सिर्फ लेयर देकर धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, पेपर का जो टेक्सचर है वो अच्छे से बना रहता है, और स्मूथली पूरा एरिया अच्छे से ग्रेडियंट जो है वो मिक्स होता है धीरे धीरे। ओके, तो देखो डार्क हो गया ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो। अब जो सामने का कॉम्पेरेटिवली लाइटर पोर्शन है उसके साथ धीरे धीरे मैं ऐसे ब्लेंड करूँगा। ब्लेंड कैसे करूँगा, धीरे धीरे शेड्स को ऐसे मूव करूँगा राइट की तरफ, और जो हल्का एरिया है उसके साथ धीरे धीरे मिक्स करूँगा। ओके, नीचे भी फेस में जो डार्कर पोर्शन है उसमें भी पहले ऐसे एंगल को फॉलो करते हुए फर्स्ट टोन दो, ठीक है। फर्स्ट टोन में डार्क नहीं होगा, टेंशन करने की बात नहीं है। आपको सेकंड लेयर सेम उसी टेक्निक में देना है। सेकंड लेयर जब आप लोग दोगे धीरे से वो और ज़्यादा स्मूथ भी हो जाएगा और डार्कनेस भी चलाएगा। यहाँ पर जो हेयर है वो क्योंकि सफ़ेद कलर का है, तो सफ़ेद करने के लिए आप लोग को ऐसे सिंपली आप लोग वो एरिया छोड़ के शेड करो, तो वो सफ़ेद एरिया निखर के आएगा। आप लोग को अलग से कोई ऐसे इरेज करने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि पूरा फेस में ऐसे राइट साइड से जो लाइट है वो गिर रहा है, इसीलिए लेफ्ट साइड में ऐसे जो डार्क एरियाज है वो क्रिएट हुआ है। सो नाक में भी ऐसा एक शार्प एंगल में डार्क एरिया क्रिएट होगा। इसमें भी जैसे मैंने फर्स्ट टाइम किया यहाँ पर लेफ्ट साइड में फेस का, वैसे ही नाक के एरिया में भी करना है। फर्स्ट लेयर तो थोड़ा रुक जाओ, फिर उसमें सेकंड लेयर दो। ऐसे देखो पूरा फेस में जो लेफ्ट पोर्शन है उसमें जो डार्केस्ट एरियाज है उसमें मैं एक टोन दे रहा हूँ, और उसके बाद ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि दो एरिया में पूरा एरिया डिवाइड हो गया है, एक लाइटर एरिया एक डार्कर एरिया। अब सेकंड लेयर में जाके मैं धीरे धीरे डार्क एरिया जो है उसे धीरे धीरे लाइटर एरिया के साथ मिक्स करूँगा, और सेकंड लेयर थर्ड लेयर दे के धीरे धीरे उसे स्मूथ भी कर लूँगा। ऐसे ही करना है। देखो ज़्यादातर मैं वही ई पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास जो सबसे डार्केस्ट पेंसिल है वो ई है। आपके पास 8 होगा 10 होगा उस पेंसिल से ही कर सकते हो। हाथ का जो प्रेशर है शेड देने का उसे कंट्रोल करना सीखो, और हल्के प्रेशर से करो तो डार्क पेंसिल से भी हल्का और स्मूथ शेड बनता है। और अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो डार्क एरिया में डार्क पेंसिल, लाइटर एरिया में कॉम्पिटेटिवली लाइटर पेंसिल 6B 4B ये सब इस्तेमाल कर सकते हो।
सो सेकेंड लेयर में मैं जो किया था वही अब थर्ड लेयर में वही करके इसमें फाइनल जो एक लुक है वो ला रहा हूँ। आँख को देखो कैसे स्मूथली मैंने आँख का जो व्हाइट एरिया है उसके साथ डार्क एरिया को ऐसे मिला दिया, एकदम सफ़ेद नहीं छोड़ा, व्हाइट एरिया में भी ऐसे शेड दिया है वर्टिकली कर्व करके। अब नीचे का जो आई बैक है या फिर चिन बोन जो है उसमें ऐसे जो थोड़ा हाईलाइटेड पोर्शंस है वो छोड़ रहा हूँ, और एंगल्स कैसे चेंज हो रहा है ये अच्छे से ज़रूर देखना जब आप लोग ड्रॉ करोगे वीडियो को, थोड़े थोड़ा देखो, पॉज करो फिर थोड़ा देखो ऐसे करो, या फिर वीडियो को थोड़ा ऐसे थ्री डॉट में जाके स्पीड को थोड़ा कम कर ले सकते हो, उससे आप लोग कम स्पीड में भी ये देख पाओगे। ओके, तो देखो सेकेंड लेयर दिया हुआ था नाक में, अब थर्ड लेयर में एक ऐसे सुपर डार्क एरिया बनाया, उसके बाद थोड़ा कास्ट शेडो है कंपेटिवली लाइटर, उसके बाद जो आँखों के ऊपर का और एक्स्ट्रा डार्क एरिया है वो बनाया। तो यहाँ पर डार्क एरिया में भी आप लोग ऐसे वेरिएंट मतलब वेरिएशन ला सकते हो। ओके, शेडो तो है, शेडो में भी डार्केस्ट शेडो एरिया कौन सा है, कास्ट शेडो कौन सा है, वो सब आप लोगों को निकालना है ऐसे करके। सो इसी बीच आप लोगों को बता दूँ, आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है artistic.dipankar और बहुत जल्दी उसमें 30,000 फॉलोअर होने वाला है। ओके, सो ज़रूर फॉलो कर लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप लोग सिंपली इंस्टाग्राम में जाकर सर्च कर सकते हो। ओके, और मैं वहाँ पर रेफरेंस फ़ोटोज जो वगैरह वगैरह है वो सब भी वहाँ पर डाल दिया है। तो देखो फेस का एरिया करीब करीब कंप्लीट है, आँखों में भी वैसे लेयर्स में करो, पहले एक ऐसे वर्टिकल शेड देकर आँख को ग्रे कर लो और हाईलाइटेड एरिया को थोड़ा छोड़ दो, फिर सेकेंड लेयर में जाके आँख का प्यूपल का एकदम मिडिल वाला पोर्शन है उसे थोड़ा डार्क कर दो, तो और धीरे धीरे बाकी एरिया के साथ स्मूथ कर दो, तो आँख का जो ये टेक्स्चर है थोड़ा हाईलाइटेड एरिया थोड़ा ऐसे कंफर्टेबली लाइट एरिया ये सब बन जाएगा। नीचे का जो आई बैग है उसमें छोटे छोटे ऐसे पॉइंट बना के आप लोग आई लैशेस दिखा सकते हो। ओके, और जो स्किन का टेक्स्चर है वो थोड़ा ऐसे ओल्ड दिखाने के लिए थोड़े थोड़े डॉट्स आप लोग यूज़ कर सकते हो, पर हाँ हाईलाइटेड एरिया रखना बहुत ज़रूरी है, जितना डार्क एरियाज है उतना ही हाईलाइटेड एरिया भी होना चाहिए। तो देखो पूरा फेस जो है वो करीब करीब कंप्लीट है, आप लोग ज़रूर ड्राइंग शुरू कर दो, रेफरेंस फ़ोटो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करो, ज़्यादा दिन नहीं है रविंद्र जयंती का, तो जल्दी से ड्राइंग शुरू कर दो और मुझे टैग करो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर मैं आप लोगों का ड्राइंग्स देखूंगा, वर्किंग प्रोग्रेस का भी आप लोग फ़ोटो डाल सकते हो ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि ये सारी जगह ठीक कर दो। ओके, सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बाकी एरियाज शुरू करूंगा जो बालों का पोर्शन है वो। सो फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक, बाय।